Hello everyone, how are you? Today we will read the poem Where Go the Boards, written by Robert Louis Stevenson. Actually, poet Robert Louis Stevenson wrote this poem about a child who uh, who was thinking then when we flow the boats in the river, then where go the boats? So poet Louis uh, Stevenson tried to describe the journey of the boat. So let's read: Dark brown is the river, Golden is the sand. It flows along for hour.

कच्चा होता है सारा मड होता है इस कल इस वजह से जो उसका कलर है वो डार्क ब्राउन दिखाई दे रहा है एंड गोल्डन इज द सैंड और जो उसके बैंक्स होते हैं रिवर के किनारे रिवर के जो बैंक्स होते हैं जो किनारे होते हैं उसका कलर जो उसकी सैंड होती है उसका कलर वो गोल्डन बता रहे हैं इट फ्लोज अलोंग फॉर आवर विद ट्रीज और इधर हैंड और ये कहते हैं कि वो बहती जाती है बहती जाती है उस रस्ते से जिसके दोनों किनारों पर बहुत सारे पेड़ हैं इधर हैंड मतलब ऑन बोथ साइड्स ईच साइड इस साइड भी उसके एक ट्रीज हैं और इस साइड भी ट्रीज हैं ओके जैसे एक ट्री यहाँ को पिक्चर में दिखाया गया है तो दूसरी साइड भी ट्रीज हैं क्लियर समझ आया यहाँ पर पॉइंट कहते हैं रिवर का जो वाटर का कलर है वो डार्क ब्राउन है और उसके किनारों की जो सैंड है जो रेत है उसका कलर गोल्डन है और ये बह रही है किसके साथ साथ जो उसके दोनों किनारों पर रिवर के दोनों किनारों पर जो लाइंस लगी हुई है दोनों साइड्स पर ट्रीज के उसके साथ साथ ये बहती चली जा रही है ओके ग्रीन लीव्स ऑफ फ्लोटिंग कैसल्स ऑफ दी फॉर्म बोर्ड्स ऑफ माइन आर बोटिंग वैन विल ऑल कम होम यहाँ पर फिर वो बता रहे हैं कि जो ये रीवर फ्लो कर रहा है वाटर जो रीवर बह रही है इसमें जो ट्रीज़ के ड्राई लीव्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं वो भी वाटर पर फ्लोट कर रहे हैं ठीक है ग्रीन लीव्स आर फ्लोटिंग मतलब वो पत्ते जो सूखे पत्ते गिर जाते हैं वो भी पानी के ऊपर तैर रहे हैं कैसल्स ऑफ द फॉर्म कैसल मीन्स होता है किला फोर्ट ठीक है और फॉर्म होती है झाग पानी में जो झाग बनती है लगातार नदी के बहने से ऐसा लगता है जैसे कि वो कैसल बना रही है फॉर्म के कैसल बन रहे हैं बोर्ड्स ऑफ माइन आर बोटिंग और उसी में उसकी जो बोट है वो तैर रही है वेन विल ऑल कम होम और वो कब घर आएगी इसका पता नहीं यानी कि वो कहाँ से कहाँ बह के जाएगी इसका उसे कुछ पता नहीं इन नेक्स्ट चेंजा पॉइंट इज से ऑन गोज द रिवर एंड आउट पास द मिल अवे डाउन द वैली अवे डाउन द हिल यानी ये जो नदी है ये लगातार बहती चली जा रही है और ये बहके किसको पार करती है मिल को मिल क्या होता है बेटे अ बिल्डिंग विद मशीनरी फॉर ग्राइंडिंग ग्रीड इन टू फ्लोर मिल एक ऐसी जगह होती है जहां पे मशीने लगी होती हैं जिसमें के दानों को पीसा जाता है और आटा बनाया जाता है दैट मीन्स चक्की ठीक है जिसमें आटा पीसते हैं ठीक है गेहूँ पीसा जाता है ना तो वो एक मिल को पार करती है अवे डाउन द वैली वैली क्या होता है लो एरिया बिटवीन टू हिल्स मानो आपकी एक हिल ये है एक हिल ये है और इसके बीच में ये यहाँ से ये रिवर फ्लो करती हुई जा रही है ठीक है वैली फिर वो वैली के क्रॉस यानी दोनों पहाड़ियों के बीच में से गुजरती है अवे डाउन द हिल और दूर चली जाती है पहाड़ी से दैट मीन्स यहाँ पर रिवर की जर्नी को बताया हुआ है कि रिवर जो है वो बहती जाती है बहते बहते वो मिल को पार करती है और फिर वो दूर घाटी में से होकर पहाड़ी के नीचे वो प्लेन में भी बहती ही चली आती है क्लियर Away down the river and a hundred miles or more, other children shall bring my boats ashore. फिर वो इमेजिनेशन करते हैं सोचते हैं ये उनकी कल्पना है कि जब नदी बहुत दूर बहुत दूर तक चली जाएगी कितनी दूर तक हंड्रेड माइल्स और मोर शायद कि सौ मील या उससे भी ज़्यादा अदर लिटल चिल्ड्रन तो दूसरे छोटे छोटे बच्चे शायद मेरी बोट्स को अशोर अशोर मीन्स होता है बेटे किनारा बैंक ठीक है बैंक बैंक भी बोलते हैं किनारे को बैंक भी बोलते हैं बी ए एन के बैंक शायद वो छोटे छोटे बच्चे जो कहीं वहाँ पर खेल रहे होंगे नदी के किनारे वो मेरी बोट को किनारे तक लेके आए क्लियर समझ आया आपको ये पोएम किसके बारे में है यहाँ पर पोइट रॉबर्ट लुस स्टीवेंसन ने रिवर की जर्नी को एक्सप्लेन किया है और एक छोटा बच्चा जो के बोट्स पेपर बोट्स बना के उसके साथ रिवर के अशोर पर रिवर के बैंक पर प्ले करता है और अपनी बोट्स को वो नदी में डालता है और ये पूछता है कि वेयर गो बोट्स ये बोट्स कहाँ जाएंगी और अपनी इमेजिनेशन वे वो पहले वो रिवर को डिस्क्राइब करता है कि उसका पानी ब्राउन कलर का है उसके किनारे की रेत गोल्डन कलर की है और वो नदी बहती जा रही है जिसके दोनों किनारों पर पेड़ लगे हुए हैं वहाँ से बहकर वो बहती जाती है और जिसमें के पेड़ों से पत्ते सूख सूख कर गिरते हैं वो भी नदी में तैरते हुए जा रहे हैं और नदी में जो झाग है वो किले बना रही है ठीक है और मेरी जो किश्ती है वो उनमें से ही बह के बहती चली जा रही है और पता नहीं वो घर कब लौटेंगे ठीक है फिर वो आगे एक्सप्लेन करते हैं नदी का पाथ नदी का रास्ता कि नदी बहती जा रही है और बहते बहते वो एक मिल को पार कर लेती है मिल को पार करने के बाद वो वैली के बीच में से होकर गुजरते हुए पहाड़ी से नीचे चली जाती है और पहाड़ी से नीचे जाके जब वो प्लेन्स में पहुंचती है तो तब तक वो हंड्रेड माइल्स या उससे ज़्यादा का भी रास्ता तय कर लेती है तो शायद वहाँ प्लेन्स में जहाँ पर कुछ और बच्चे प्ले कर रहे होंगे वो मेरी बोट्स को पकड़ के किनारे तक ले आए क्लियर आपको ये अच्छी तरह पोएम समझ आ गई आपको इसको अच्छी तरह रीड करना है इसके मीनिंग्स अच्छी तरह आपको पढ़ने हैं ओके आई होप यू हैव अंडरस्टूड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल